नमस्कार, जय माता दी सबको। स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रोबानी में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और आशा करते हैं कि आप सभी को हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। आज बात करेंगे कि अगर आप चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति आपको इग्नोर ना कर पाए तो माथे पर लगा ले ये चीज। माथे पर लगाना है आपने तिलक। कौन सा तिलक लगाना है, बनाने की विधि क्या है, किस दिन लगाना है और क्या असर दिखेगा आपको, ये हम आपको बताएंगे। बहुत से लोग बहुत तरह के तिलक लगाते हैं, बहुत से उपायों को करने के लिए या कोई ना कोई चीज को पाने के लिए। कई पंडितों के द्वारा कई तरह के तिलक बताए जाते हैं और कई जगह पर लगाए जाते हैं। कई लोग आपको कहेंगे कि आप अपने गले पर लगाएं, कान के पीछे लगाएं, नाभि पर लगाएं, हथेली पर लगाएं, माथे पर लगाएं। तो हर एक तिलक का जो महत्व होता है वो विशेष होता है और अलग अलग होता है। अलग अलग चीजों को पाने के लिए या अलग अलग उपायों से जुड़े हुए होते हैं ये तिलक, और अलग अलग तिलक होते हैं। जरूरी नहीं होता कि हर तिलक एक जैसा हो और एक ही स्थान पर लग सके। हर कोई सोचता है कि सिर्फ माथे में ही तिलक लगता है और एक ही तरह का तिलक लगता है, ऐसा जरूरी नहीं है। हर तरह की प्रॉब्लम के लिए, हर तरह की मनोकामना के लिए, हर तरह की पूर्ति के लिए आपके अनुसार जो आप चीजें चाहते हैं अपनी जिंदगी में, उसके अनुसार भी कई तरह के तिलक होते हैं जो कई जगह पर लगाए जाते हैं। तो आज आपको बताएंगे एक तिलक जो कि आपने माथे पर लगाना है, जिससे आपको क्या प्राप्त होगा इस तिलक से। अगर आप ये तिलक लगाते हैं तो इस तिलक से आपका गुरु ग्रह, बृहस्पति ग्रह स्ट्रांग होगा। इसके साथ साथ आपका सूर्य भी स्ट्रांग होगा। ये जो चीजें, दो ग्रह स्ट्रांग होंगे, इसके बेनिफिट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। इसका जो असर होगा आपकी खुद की पर्सनालिटी पर होगा। आप देखेंगे आपके अंदर का सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा है। आप लोगों के सामने बहुत हिचकिचाते थे, बात खुलकर नहीं रख पाते थे, आपका कोई रौब नहीं था किसी पर, आपका कोई आदर सम्मान नहीं करता था पहले, कोई रिस्पेक्ट नहीं देता था आपको, कोई आपकी वैल्यू नहीं करता था, चाहे किसी भी तरीके, किसी भी रीजन की वजह से आपकी वैल्यू ना की जाती हो। आजकल के समय में आप देखते हैं कि ज्यादातर जो धनवान है उनकी वैल्यू ज्यादा की जाती है, लेकिन अभी भी आप कई जगह पर ऐसे देखेंगे जो लोग ज्यादा धनवान नहीं है, ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है, उन लोगों की भी बहुत वैल्यू की जाती है, बहुत लोग उन्हें मान सम्मान देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी ऐसी बनाई हुई है कि लोग उन्हें मान सम्मान देना या वैल्यू देना बहुत जरूरी समझ लेते हैं। तो आपने भी यही चीज करनी है। आपने अपने आप के अंदर, आप देखेंगे इस उपाय से आपके अंदर कितना बदलाव आएगा, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बढ़ेगा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी पर्सनैलिटी पूरी चेंज होगी, और जिससे इसका असर हो बढ़ेगा लोगों पर, क्योंकि लोग आपको देख रहे होंगे चेंज होते हुए और लोगों की नजर पर आप बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बनेंगे, आपकी पर्सनैलिटी चेंज होगी, लोग आपको मान सम्मान देंगे, आपको आपका रुतबा देखेंगे, लोग आपसे इंप्रेस होंगे, लोग आपसे खुश होंगे, आपकी तारीफें करेंगे, आपकी राय मांगी जाएगी, आपको इज्जत मान सम्मान मिलेगा आपके परिवार में, चाहे आप जहां बाहर काम करते वहां पर, जिस भी क्षेत्र में जाएंगे वहां आपको मान सम्मान मिलेगा ही मिलेगा, लोग आपके पास आएंगे। बताते हैं कि आपने करना क्या है, तिलक क्या करना है। आपने कम से कम पांच गुरुवार ये तिलक लगाना है। तिलक को बनाना कैसे, आप गुरुवार के दिन अपने मंदिर में बैठ जाएं, मंदिर के समक्ष बैठकर आपने तिलक बनाना है। आपने स्नान, गुरुवार को स्नान करने के बाद अपने मंदिर के समक्ष बैठ जाना है और ये सामग्री अपने पास रख लेनी है। आपने रखना है काली हल्दी, आपने रखनी है काली हल्दी और आपने रखना है कुमकुम। इसके साथ आपने रखना है गुलाब जल। ये तीनों चीजों को आपने आपस में मिक्स कर लेना और थोड़ा सा आपने इसमें चंदन का पाउडर भी डालना है। ये सारी सामग्री को आपने मिक्स कर लेना है और अपने माथे पर लगाना है, और माथे पर लगाते हुए आपने गुरु ग्रह का मंत्र भी बोलना है। एक बार आप बोल सकते हैं, जब जब गुरुवार के दिन लगाए तब तब आपने गुरु ग्रह का मंत्र बोल देना है। ये चीज आपने करनी है और आप देखेंगे इससे आपका गुरु ग्रह स्ट्रांग होगा और आपको अपनी पर्सनैलिटी में चेंज देखने को मिलेगा। लोग आपकी तारीफें करेंगे, आपको मान सम्मान करेंगे, आपको वैल्यू देंगे और आपका रुतबा बढ़ेगा और हर जगह आपकी रिस्पेक्ट होगी। कोई व्यक्ति भूल से भी आपको इग्नोर नहीं करेगा। उपाय बेहद प्रभावशाली है, चाहे लेडीज है चाहे जेंट्स है, हर उम्र का व्यक्ति ये कर सकता है, क्योंकि इसका लाभ ही लाभ आपको जिंदगी भर देखने को मिलेगा। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, इसे कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।